हेलो गाइस। तो आज हम लोग बनाने वाले हैं यहाँ पे एक बहुत ही अच्छा सा गेमिंग हाउस जो कि हीरोब्रेन एसएमपी के अंदर है। तो आप मेरे पीछे यहाँ पे देख सकते हो, मैंने इसको पूरा बना लिया है एंड साथ ही साथ यार मैंने सारा इंटीरियर भी कर दिया है इसका। तो यार आगे बढ़े उससे पहले यार वीडियो को लाइक कर देना, और वीडियो का जो लाइक गोल है वो है 1000 लाइक का। तो यार प्लीज 1000 लाइक कर देना, और चैनल पर नए हो तो यार चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि आप यार खुद देख सकते हो यार कितने कम परसेंट है यहाँ पे लोग जो सब्सक्राइब करते हैं। तो यार चलो यार अब देखते हैं इसको बनाते कैसे हैं। तो लेट्स गो। तो गाइस सबसे पहले आपको यहाँ पे लेना होगा ब्लॉक ऑफ क्वार्ट्ज, और ब्लॉक ऑफ क्वार्ट्ज आपको दो प्लेस करने हैं आपके, ठीक है ऐसे। देन इसके ऊपर आपको दो और प्लेस करने हैं, देन इसके पीछे आपको दो और प्लेस करने होंगे, आगे वाले को तोड़ना है दोनों को, तो ऐसे करना होगा। देन आपको वापस से रिपीट करना है सेम चीज, दो यहाँ लगाने हैं, दो इसके पीछे लगाने हैं और इसको तोड़ना है, ठीक है। तो तीन ब्लॉक की ऐसी स्टेयर बन जाएगी अपनी। देन आपको थर्ड वाली जो लाइन है ना, आपको उसको दो और इंक्रीज कर देना है, तो उसके पीछे दो ब्लॉक और लग जाएंगे, तो ये चार ब्लॉक की हो जाएगी, बाकी दो दो की हो जाएंगे, ठीक है। अब मैं आपको यहाँ पे एक बताऊं बात, जितना भी अपना स्ट्रक्चर है, जितना भी गेमिंग हाउस है ना, वो पूरा इसी के ऊपर बेस है। तो अब आपको गाइस ये चीज है ना 10 बार बनानी होगी, तो मैं आपको बताता हूँ कैसे बनानी है। तो अपन ने यहाँ पे एक बार तो बना ली, यानी कि अपन को 9 बार और बनानी है इसको। तो क्या करना है आपको, देखो आप आए अपने इस वाले स्ट्रक्चर के ऊपर, देन गाइस आपको यहाँ पे राइट साइड में मुड़ जाना है, और यहाँ पे आपको सेम चीज करनी है रिपीट। यहाँ पे दो लगाने हैं, देन पीछे दो लगाने हैं, आगे वाले को तोड़ना है, देन सेम चीज करनी है आपको, ठीक है। दो अपन ने लगा लिए, अब यहाँ पे वापस से आपको लगाने टेम्पररी ब्लॉक, देन चार लगाने इसके पीछे, इस वाले को तोड़ना है, ठीक है। तो अपनी सेम ऐसी जो अपनी स्ट्रक्चर थी अपनी यहाँ पे ही बन चुकी है। तो यानी कि अपन ने ऐसे 2 बार बना लिए, 1 और 2। अब आपको हमेशा क्या करना है ना, आप देखो अपन लोग यहाँ से स्टेयर पे ऊपर आए, यहाँ पे ऊपर गए, अब वापस से आपको राइट साइड पे मुड़ना है, और आपकी राइट साइड पे वापस से सेम चीज रिपीट करनी है, ठीक है। तो आपको यार ये जो चीज है ना, आपको ये 10 बार करनी होगी टोटल, यानी कि अपन ने 2 बार तो कर ली, अब अपन को यहाँ पे 8 बार और करनी है। तो मैं आपसे करके मिलता हूँ, आपको सेम चीज रिपीट करनी है राइट साइड पे मुड़ के, ठीक है। तो मैं करके आपसे मिलता हूँ। 2000 years later जो अपना 10th वाला स्ट्रक्चर होगा ना, उसके ऊपर यहाँ पे 4 ब्लॉक नहीं आएंगे, यहाँ पे सिर्फ 2 ब्लॉक आएंगे, ठीक है। तो भाई इसका शेप जो है ऐसा सांप जैसा बन जाएगा, ठीक है। तो आपको सेम ऐसा फॉर्म करना होगा, और हमेशा आपको राइट साइड में जाके ना ब्लॉक लगाने होंगे, ठीक है। अब इतना करने के बाद में यार अब आपको लेनी है यहाँ पे स्टेयर्स, और स्टेयर लेने के बाद में फ्रंट में आना है, यहाँ पे लगानी स्टेयर्स आपकी क्वार्ट्ज की, तो 3 ऐसे आ जाएगी। देन गाइस यहाँ से स्टार्ट होगी आपकी ऐसे टेढ़ी वाली स्टेयर, ठीक है। यहाँ तो सीधी लगानी है, देन ऊपर आपको यहाँ पे आते ही एक आपको ऐसी टेढ़ी कर देनी है, देन वापस से आपको सीधी लगानी है ऐसे करके 2, देन सेम करना है आपको यहाँ पे ऐसे करके टेढ़ी आ जाएगी। हमेशा जो आपका 4 वाला ब्लॉक आएगा ना, जैसे ये 4 वाला ब्लॉक है, आपको यहाँ पे ना एक सीधी लगानी है और एक से टेढ़ी करके लगानी है, ठीक है। अब यहाँ पे आपको एक चीज और करनी है, देखो आप फ्रंट से यहाँ पे चढ़ोगे, मैं आपको दिखाता हूँ, आप यहाँ से चढ़ोगे तो यहाँ पे अपना रूम नहीं आएगा, अपना रूम स्टार्ट होगा यहाँ से, ठीक है। तो क्या करना है आपको, यहाँ पे आपको लेनी है क्वार्ट्ज ब्रिक, और आपको यहाँ पे ना 2 लगा देनी है ऐसे करके, ठीक है। तो यहाँ पे 2 लगा देनी है, अब सेम आपको देखो यहाँ पे स्टेयर लगानी होगी ऊपर आने के लिए। देन आपको हर एक 4 वाले ब्लॉक पे ना, जहाँ पे अपन लोग ऐसी स्टेयर लगाएंगे टेढ़ी वाली, उसके आगे वाले ब्लॉक पे यहाँ पे आपको 2 ब्लॉक लगाने होंगे आपके जो ब्रिक वाले होते हैं ना क्वार्ट्ज के। तो इससे आपको चल जाएगा पता कि आपका जो रूम है वो यहाँ पे बनने वाला है, ठीक है। तो अपन ने एक यहाँ पे बना दिया इसको, और एक यहाँ पे बना दिया, ऐसे करके टोटल पूरे 9 होंगे ये, तो 2 हो गए हैं अपने, ठीक है। तो अपन लोग पहले सारी स्टे लगा लेते हैं, उसके बाद इसको लगाएंगे, ठीक है। Eventually अब चलो अपना सारा रूम वाला काम करते हैं। तो देखो जैसे मैंने यहाँ पे 2 लगाया था ना, अब आपको देखो हर इस वाले ब्लॉक पे 2-2 लगा देना है, यहाँ पे आ जाएगा, यहाँ पे भी आ जाएगा, ऐसे करके आपको 2-2 कर देना है इसको, तो यहाँ पे हर जगह पे 2-2 एक्सटेंड कर देंगे। जो लास्ट वाला जो अपना रूम होगा ना, जो यहाँ पे होता है टॉप पे, उसको आपको इस वाले ब्लॉक से एक्सटेंड करना है, यहाँ पे 2 ब्लॉक लगाने हैं ऐसे करके, ठीक है। अब इतना करने के बाद में अब रूम्स बनाने का टाइम आ चुका है, लेकिन उससे पहले एक काम कर लेते हैं जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आपको आना होगा आपके नीचे एकदम, आपको बिल्कुल स्टार्टिंग में आना है, और यहाँ पे आपको लेना होगा, ठीक है, और यहाँ पे आपको 4 ऐसे ब्लॉक प्लेस करने हैं आपके पिलर के। अब इतना करने के बाद में तुम्हें इनको 39 ब्लॉक्स ऊपर लेके जाना होगा, ठीक है। तो यानी कि टोटल इसकी जो हाइट होगी वो हो जाएगी 40 ब्लॉक की। तो यहाँ पे अपन ने एक कर दिया है, तो अपन को इसको 39 बार लेके जाना है, मतलब चारों को लेके जाना है। तो स्टार्ट करते हैं। तो ये हो गया अपना टोटल, यानी कि 40 ब्लॉक का ये पिलर बन चुका है अपने 4 ब्लॉक का, ठीक है। तो सेम आपको ऐसे करना होगा, और ये बिल्कुल फिक्स आएगा आपके बीच में, ठीक है। अगर आप कोई मिस्टेक नहीं करोगे ना यहाँ पे, तो बिल्कुल फिक्स आएगा बीचों बीच। अब यार पिलर तो बन चुका है, अब बारी है यहाँ पे रूम बनाने की। तो उसके लिए आपको सबसे पहले आना होगा आपके फर्स्ट वाले रूम के पास में, जहाँ पे अपन का बनने वाला है। तो यहाँ पे आपको आना है, और यहाँ पे अपन ने 2 ब्लॉक लगाए थे ब्रिक वाले, तो आपको सेम ब्रिक वाले ब्लॉक लेने हैं। और देखो 2 तो अपन ने लगा लिए थे, अब आपको इसको इंक्रीज करना है बाय 9 ब्लॉक्स, तो टोटल हो जाएंगे 11 ब्लॉक के। तो देखो 2 लगा दिए, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, ठीक है। देन आपको गाइस क्या करना है, यहाँ पे आपको 3 ब्लॉक एक्सटेंड करने हैं, यहाँ पे और यहाँ पे 3-3 करके। सेम आपको यहाँ पे भी करना होगा, 3 यहाँ लगाने हैं, इसको आपको जोड़ देना है इस वाले ब्लॉक से। सेम आपको इधर करना होगा, अब बीच में जो जगह बचेगी आपको उन सबको फिल कर देना है आपका सेम ब्लॉक का यूज करके। अब मैं जो आपको यहाँ पे सिखा रहा हूँ ना, आप इसको ढंग से सीख लो, क्योंकि आपको ये चीज रिपीट करनी होगी पूरे ऊपर तक, ठीक है।
तो मैं आपको बस एक रूम सिखाऊंगा, आपको बाकी सारा अपने आप बनाना पड़ेगा क्योंकि बिल्कुल एग्जैक्ट कॉपी है, ठीक है। अब इतना करने के बाद में अब आपको यहाँ पर लेने हैं आपके जो पिलर के ब्लॉक होते हैं ना, और यहाँ पे प्लेस करने हैं 5, 1, 2, 3, 4, 5, इस वाले कोने पे 5, इस वाले भी 5 आ जाएंगे। सेम यहाँ पे करने होंगे आपको 1, 2, 3, 4, 5, और यहाँ पे भी 1, 2, 3, 4, 5, और यहाँ पे आपको एक ब्लॉक छोड़ के लगाने हैं 4, 1, 2, 3, 4, सेम एक ब्लॉक छोड़ के 4 लगाने हैं, ऐसा कुछ आपको फॉर्म करना होगा, ठीक है। अब यहाँ पे आपको लेनी है वापस से ब्रिक वाले आपके क्वार्ट्ज की ब्रिक्स, और इसको जोड़ देना है, इन सबको ऐसे जोड़ना होगा, यहाँ पे भी जोड़ लेंगे, साइड वाले ही सारे फिल कर लेना ऐसे करके, ये वाला और ये वाला, और यहाँ पे तुम्हें सिंगल लगाना है एक ब्लॉक, देन तुम्हें लगानी है यहाँ पे क्वार्ट्ज की स्टेयर्स, ऐसे बाहर जाके लगानी है, ठीक है। तो ऐसा आपका गेट बन जाएगा अंदर आने का, देन आपको सेम ब्रिक वाली वॉल से जो है इसकी रूफ बनानी होगी, ऐसे करके पूरा फिल कर देना है आपको। यहाँ पे एक चीज़ और करनी होगी, यहाँ पे लांटेन लगानी यहाँ पे और यहाँ पे, और यहाँ पे और यहाँ पे लगानी लांटेन, ठीक है। तो 4 लांटेन हर रूम में लगानी होगी ऐसे करके, और ऐसा आपको एक रूम बनाना होगा। तो गाइस जो मैंने आपको सेम यहाँ पे सिखाया है ना, जितनी लेंथ बताई, जितनी ब्रेथ बताई, जो मैंने यहाँ पे सिखाया आपको, अब सेम टू सेम आपको रिपीट करना होगा हर इन वाले पॉइंट पे जो मैंने आपको बताए थे स्टार्टिंग में, ठीक है। जितने भी अपने ये वाले पॉइंट है आपको सबके ऊपर ये चीज बनानी होगी, तो मैं आपसे बना के मिलता हूँ। और गाइस ये जो वॉल्स है ना साइड की, इनको छोड़ देना, ये मैं आपको बताऊंगा लास्ट में, क्योंकि सारी वॉल्स डिफरेंट है, ठीक है। बस आपको ये चीज पूरी सेम बनानी होगी, तो मैं आपसे 2 मिनट में मिलता हूँ। 2000 years later. तो गाइज यहाँ पे आप देख सकते हो सारे के सारे जो रूम्स है मैंने बना दिए, मतलब जो मैंने आपको सिखाया था ना उधर, मैंने बस वो सेम टू सेम रिपीट कर दिया है हर जगह पे। तो हर जगह पे मैंने सारी जो साइड की वॉल्स है वो छोड़ दी है, वो सब आप लोग अब करने वाले हैं, लेकिन उससे पहले एक 2-3 काम बचते हैं वो कर लेते हैं। तो सबसे पहले आपको आना है यहाँ पे नीचे स्टार्टिंग में, ठीक है। आपको नीचे आना है यहाँ पे, यहाँ पे आपको ब्लॉक ऑफ जो क्वार्ट्ज होते हैं ना नॉर्मल वाले, आपको यहाँ पे 4 लगाने हैं, सेम 4 आपको इस तरफ लगाने हैं ऐसे करके। देन लेना है आपको आपका जो पिलर होता है ना, पिलर वाला ब्लॉक आपको यहाँ पे लेना है और इसको ऊपर तक उठाना है और इसे जोड़ देना है, ठीक है। देन यार इतना करने के बाद में अब आपको एक ब्लॉक छोड़ के यहाँ पे लगाना है पिलर एक तो, ठीक है, और एक ब्लॉक छोड़ के एक यहाँ लगाना है, ठीक है। अब आपको इस वाले को इंक्रीज करना है पिलर को, और आपको जोड़ देना है इस वाली वॉल से जहाँ तक ये जुड़ता है, ठीक है। यहाँ पे जोड़ देना है इसको, और इसको लेके जाना है आपको यहाँ तक, ठीक है, इस वाले हाइट तक। अब आपको आना है इधर पीछे की तरफ में, और यहाँ पे आने के बाद में जहाँ पे अपने ये वाला पिलर लगाया था यहाँ पे 2 ब्लॉक छोड़ के आपको यहाँ से पिलर लगाना स्टार्ट करना है और नीचे लेके आना है, ठीक है, और यहाँ से जमीन से जोड़ देना है, ठीक है। तो आपका पिलर ऐसे बन जाएगा। देन अब आपको ऊपर की तरफ आना होगा, देखो ऊपर चलते हैं, और यहाँ पे आपको आना है आपके फर्स्ट वाले रूम के छत के ऊपर, और यहाँ पे ना कोने वाले ब्लॉक से आपको पिलर कंटिन्यू करके लेके आना है और उसको जोड़ देना है ऊपर वाले ब्लॉक से। सेम आपको आप इस वाली छत पे आना है और सेम चीज करनी है, कोने से स्टार्ट करना है पिलर और ऊपर जोड़ देना है, ठीक है। सेम यहाँ पे भी करना होगा, इसे जोड़ देना है, ठीक है। जितने भी आप कर सकते हो ना उतना आपको करना होगा। अब आपको इस वाले वॉल पे भी करना होगा सेम चीज, आपको इसे जोड़ देनी है। सेम आपको यहाँ पे भी करना होगा, इसको इसे जोड़ देना है, ठीक है। अब यार यहाँ पे ना इस वाले को आप ऊपर नहीं लेके जा सकते क्योंकि यहाँ पे ऊपर कोई रूम नहीं है, ठीक है। तो इसको आपको छोड़ देना है, यहाँ पे आपको कुछ भी नहीं करना है। अब आपको आना है इस वाले पे, और यहाँ पे आपको इंक्रीज करना है इसको 4 बार, 1, 2, 3, 4, और आपको जोड़ना है यहाँ पे 2 ब्लॉक लगा के ऐसे, ठीक है। अब सारे पिलर बनाने के बाद में अब 2-3 काम बचे हैं अपने, तो अब चलते हैं अपन लोग ऊपर, ठीक है। तो आपको ऊपर की तरफ आना है और जितने भी आपके रूम के पास में जितने भी गैप बचे हुए हैं ना आपको उनको फिल करना होगा। तो उसके लिए आपको यूज करना होगा सेम ब्लॉक जो आपकी ब्रिक वाली है, और आपको यहाँ पे लगाना है 4 बार, मतलब 4 की हाइट देनी है इसको बेसिकली। तो ऐसे 8 ब्लॉक लगाना है यहाँ पे। सेम आपको यहाँ पे भी करना होगा, यहाँ पे भी सेम करना है, सेम यहाँ पे करना होगा आपको। अब आपको यहाँ पे भी लगाने हैं ऐसे करके। अब यार जो आपका ये वाला जो रूम होगा ना जहाँ पे ऊपर अपन ने पिलर नहीं लगाया था क्योंकि इसके ऊपर कोई रूम था नहीं, तो अपन को यहाँ पे सिर्फ 4 लगाने हैं, ठीक है। अब आना है ऊपर की साइड में, यहाँ पे लगाने हैं पूरे 8। एंड जो सबसे लास्ट जो रूम होगा ना यहाँ पे जगह बचेगी सिर्फ 2-2 ब्लॉक की, तो यहाँ पे आपको सिर्फ 2-2 लगाने हैं ऐसे ऐसे करके। सेफ्टी बन जाएगी, आप गिरोगे नहीं यहाँ से, ठीक है। तो ये बन गया अपना पूरा स्ट्रक्चर, जो मेन स्ट्रक्चर है वो हो चुका है रेडी। अब इतना करने के बाद में अब स्टार्ट करते हैं सारा इंटीरियर, सारे रूम्स का इंटीरियर करते हैं। और यार ऊपर एक चीज बनती है यहाँ पे, तो पहले उससे स्टार्ट करते हैं, ठीक है। अब गाइस आपको पिलर के आगे लगाने होंगे आपके टॉप वाले पिलर के ब्लॉक पे 3 ब्लॉक लगाने हैं ऐसे करके आपके पिलर के, ठीक है। देन 3 ब्लॉक लगाने के बाद में साइड में 1-1 ब्लॉक लगाने हैं ऐसे करके। अब ये सेम चीज आपको रिपीट करनी है हर साइड पे, तो यहाँ पे भी कर लेते हैं 3 लगाते हैं ऐसे करके। देन इसको एक्सटेंड करना है आपको ऐसे करके, तो ऐसा आपको बनाना होगा, ठीक है। अब इतना करने के बाद में आपको लेना है यहाँ पे लाइम कंक्रीट, और आपको यहाँ पे आना है और यहाँ पे 6 लगाने हैं आपको, 1, 2, 3, 4, 5, 6। सेम इस वाले पे लगाने 1, 2, 3, 4, 5, 6, ठीक है। और बीच में लगाने हैं आपको 4, ठीक है। तो 4 बीच में आ जाएंगे, देन साइड में आ जाएगा इसके 1-1 करके ऐसे, तो ये ऐसा एच बन जाएगा। अब आपको सेम चीज रिपीट करनी है इस साइड, इस साइड और इस साइड। तो मैं 2 मिनट में आपसे करके मिलता हूँ। अब इतना करने के बाद में आपको लेनी है सी लांटेन, और आपको अंदर लगानी होगी यहाँ पे। तो यहाँ पे 4 लगानी है,
तो ऐसे आपको चार चार लाइट लगानी है पीछे, बेसिकली आपको ऐसे फॉर्म करना होगा, ठीक है, ऐसे लुक आएगा इसका। अब इतना करने के बाद में आपको सेम लांटी लेनी है और आपको यहाँ पे लगानी है ऐसे करके तीन, ठीक है, हर साइड पे लगानी है बेसिकली ऐसे करके। देन आपको एक यहाँ पे लगानी है टेम्पररी लाइट और एक इसके आगे लगानी है, इसको तोड़ना है और यहाँ पे तीन और लगानी है, तो बेसिकली चार लगानी होगी ऐसे करके। अब ये भी आपको हर साइड पे करना होगा। तो यार इसी के साथ अपना जो एच है वो होता है रेडी, और आप देख सकते हो यार ऐसा लुक आएगा इस एच का, ठीक है। तो यार अब बारी अपने सारे रूम्स का इंटीरियर करने की, बाकी सारा स्ट्रक्चर बन चुका है, तो सबसे नीचे से स्टार्ट करते हैं। अब चलते हैं फर्स्ट रूम की तरफ, और यहाँ पे आने के बाद में अब आपको लेना है यहाँ पे रेड स्टेन ग्लास और ब्लू स्टेन ग्लास, और यहाँ पे ना ऊपर ऐसे दो दो करके लगाने ब्लू वाले ग्लासेस, सेम आपको इस वाले वॉल पे लगाने दो दो करके, और नीचे आ जाएंगे रेड वाले ऐसे करके, ठीक है, तीनों साइड पे सेम करना है ऐसे करना होगा आपको, ठीक है। और आपको यहाँ पे लगाना होगा ब्लू कारपेट, तो ऐसे बन जाएगा आपका पहला वाला रूम, ठीक है। अब चलते हैं सेकंड रूम में फटाफट से। तो सेकंड रूम में आपको सबसे पहले सामने वाला जो आपका वॉल है इसको कवर करना है आपके ब्लैक स्टेन ग्लास से। देन आपको साइड में यहाँ पे एक चीज करनी होगी, आपको यहाँ पे तीन ब्लॉक तोड़ने होंगे ऊपर के 1 2 3, और यहाँ पे लगाना होगा ब्लैक कॉन्क्रीट। सेम आपको इधर भी तीन तोड़ने होंगे, यहाँ पे लगाना है ब्लैक कॉन्क्रीट, और बीच में तोड़ने तीन और यहाँ पे लगाना है येलो कॉन्क्रीट, ठीक है। सेम यहाँ पे करना होगा, इस वाली लाइन को भी करना होगा सेम टू सेम। देन आपको यहाँ पे लगाने तीन आपके ब्लैक वाले जो कंक्रीट होते हैं ना, तीन यहाँ लगाने हैं, देन आपको तीन लगाने आपके येलो वाले, देन वापस से लगाने तीन ब्लैक वाले, एंड इसको इंक्रीज करना है आपको दो बार, और यहाँ पे लगाने दो और इसे आपको जोड़ देना है। सेम आपको यहाँ पे भी करना होगा, यहाँ पे लगाने होंगे तीन ब्लैक, देन आपको लगाने तीन येलो, देन वापस से ब्लैक, देन इस बार आपको यहाँ पे दो उठाने हैं और ऐसे करके इसको जोड़ देना है, और जितने भी ब्लॉक बीच से बच गए ना आपको वहाँ पे फिल कर देना है सेम ब्लैक वाला जो ग्लास है ना आपका। देन आपको लेना येलो कार्पेट, आपको यहाँ पे चार लगाने ऐसे करके, देन यहाँ पे आपको लगाने हैं तीन, देन सीधा आपको ऐसे लेके आना है यहाँ तक, एंड अब जितने भी यहाँ पे जगह बच गई है यहाँ पे लगाने हैं आपको ब्लैक वाले कारपेट। तो ये बन जाएगा अपना सेकंड रूम यहाँ पे कंप्लीट, ठीक है। तो अब चलते हैं थर्ड रूम के पास में, और थर्ड रूम कंप्लीट करते हैं। तो ये थर्ड रूम है अपना, और यहाँ पे क्या करना है, यहाँ पे भी आपको फ्रंट वाला ग्लास है ना पूरा ब्लैक कर देना है, ठीक है। देन आपको लेना है यहाँ पे रेड स्टेन ग्लास, और आपको यहाँ पे दो लगाने ऐसे करके, मतलब पूरे ऐसे आपको आठ ब्लॉक लगाने हैं ग्लास के, और यहाँ पे एक ऐसा लगाना है, ठीक है। सेम आपको यहाँ पे भी करना होगा, आठ ब्लॉक यहाँ लगाने हैं, देन एक ऐसे लगाना है। अब आपको लेना है यहाँ पे येलो वाला आपका कंक्रीट का ब्लॉक, और आपको यहाँ पे तीन लगाने हैं, सेम यहाँ पे भी लगाने होंगे तीन। देन आपको लेना है यहाँ पे ब्राउन कंक्रीट, और आपको यहाँ पे तीन ब्राउन लगाने हैं, देन वापस से तीन येलो लगाने हैं, देन वापस से तीन आपको लगाने हैं ब्राउन वाले, और एक बीच में लगाना है ऐसे करके। सेम यहाँ पे करना होगा आपको, एक एक ब्लॉक छोड़ के तीन तीन लगाने हैं ब्राउन वाले, बीच में आ जाएगा कोई येलो वाला, और यहाँ पे आ जाएगा एक और ब्राउन वाला। अब इतना करने के बाद में आपको लेना है यहाँ पे ब्लू वाला कंक्रीट, और आपको यहाँ पे दो लगाने हैं, यहाँ पे दो लगाने, और अब यहाँ पे जितनी भी जगह बची है आपको हर जगह पे लगाने हैं आपके रेड वाले ग्लास, तो ऐसे आप ग्लास आ जाएंगे। और आपको लेना है यहाँ पे रेड कारपेट, और आपको यहाँ पे नीचे लगा देना है। तो इसी के साथ यार अपना होता है वाला रूम कंप्लीट। अब चलते हैं अपने फोर्थ वाले रूम पे, और इसको करते हैं कंप्लीट। अब आपको यहाँ पे आना है गाइस, और यहाँ पे आने के बाद नीचे आपको लगाने हैं पर्पल की एक पूरी लाइन, और ऊपर भी लगा देनी है, और बीच में लगाने हैं मैजेंटा वाले। देन आपको वापस से पर्पल वाला लेना है, और यहाँ पे लगाने हैं आपको ऐसे चार। देन लेनी है पर्पल कंक्रीट, और आपको यहाँ पे तीन लगानी है, एक ऐसे लगानी है, और यहाँ पे तीन और लगानी है, और यहाँ पे दो लगानी है, ऐसा जी बनाना है आपको। देन एक लाइन छोड़ के यहाँ पे बनाना होगा आपको एफ, तो यहाँ पे आ जाएगी अपनी चार ब्लॉक्स, और यहाँ पे ऐसे करके एफ बन जाएगा। और जितनी भी जगह बच गई है आपको सेम ये वाला ब्लॉक लगा देना है ग्लास का, सेम आपको इस वाले कोने पे करना है, यहाँ पे लगाने चार ग्लास, देन वापस से जी बनाना है आपको, एक ब्लॉक छोड़ के बनाना है आपको एफ, तो यहाँ पे ऐसे एफ बन जाएगा। और जितनी भी जगह बच गई है सेम करना है, ऐसे लगाना है ग्लास, ठीक है। तो अब चलते हैं अपने फोर्थ वाले, ये कौन सा रूम था भाई, फोर्थ था शायद से। अब चलते हैं फिफ्थ वाले रूम पे। अब यहाँ पे लेना है आपको रेड स्टेन ग्लास, और यहाँ पे कोने पे लगाना है दो, एंड यहाँ पे रेड कंक्रीट लगाना है इस वाले कोने पे, और एक लगाना है इस वाले कोने पे, सॉरी इस वाले कोने पे नहीं आएगा, इस वाले कोने पे आएगा, ठीक है, ऐसे लगाना है। देन यहाँ पे लगाना है इस वाले कोने पे, और एक इस वाले कोने पे, ठीक है। एंड यहाँ पे अब लेना है आपको ऑरेंज टेराकोटा, और यहाँ पे आपको दो ब्लॉक छोड़ने हैं 1 2, और यहाँ पे आपको ऐसे ए बनाना होगा, आपको ए बनाना है, और यहाँ पे भी सेम करना है आपको, यहाँ पे दो ब्लॉक छोड़ के 1 2 3 4, देन यहाँ पे ऐसे दो लगाने हैं, देन यहाँ पे तीन ब्लॉक लगाने हैं, और बीच में लगाना है एक, तो इससे ए बन जाएगा। एंड यहाँ पे जितनी भी जगह बच गई है यहाँ पे लगाना है आपको ब्लैक स्टेन ग्लास। तो इसी के साथ अपना ये वाला जो रूम है होता है रेडी। अब चलते हैं अपने सिक्स्थ वाले रूम पे, और इसको करते हैं कंप्लीट। तो आना है आपको सिक्स्थ वाले रूम पे, और यहाँ पे आने के बाद में आपको ये जो वॉल्स है ना आपकी, ये तोड़ लेनी है यहाँ पे, ये वाली और ये वाली पूरी, और ऊपर वाली भी सेम आपको तोड़ लेनी है दोनों साइड की, यहाँ की और यहाँ की, और यहाँ पे लगाना है आपको रेड कंक्रीट। तो ऐसे करके लगाना है आपको रेड कंक्रीट हर साइड पे। देन आपको लेना है रेड स्टेन ग्लास, और आपको यहाँ पे लगाना है इस वाली पूरी वॉल के ऊपर। अब इतना करने के बाद में गाइस, अब आपको यहाँ पे दो ब्लैक वाइट लगाने हैं, देन दो ब्लॉक छोड़ के एक लगाना है, देन वापस से दो ब्लॉक छोड़ के दो लगाने, ठीक है। यहाँ पे लगाना है ब्लॉक ऑफ क्वार्ट्ज, जैसे तीन तीन करके लगाने हैं। देन लेना है आपको व्हाइट कंक्रीट, और आपको यहाँ पे लगाना है तीन,
और 3 आपको यहाँ पे लगाना है। एंड अब जितनी भी जगह बची है आपको लगाना है रेड स्टेन ग्लास, ठीक है। अब यहाँ पे भी आपको सेम करना है, यहाँ पे लगाने 2 आपको ब्लैक वाले, देन 2 ब्लॉक छोड़ के 1 लगाना है, देन 2 ब्लॉक छोड़ के 2 लगाना है। देन यहाँ पे आ जाएंगे ब्लॉक ऑफ क्वार्ट्ज, इधर आ जाएगा आपका व्हाइट कंक्रीट, ऐसे करके 3-3। और जितनी भी जगह बची है यहाँ पे लगाना है आपको रेड स्टेन ग्लास ब्लॉक्स। एंड जमीन पे आपको लगाना होगा रेड कारपेट, ठीक है। तो ये बन जाएगा अपना 6th रूम। अब चलते हैं अपने 7th वाले रूम पे और इसको करते हैं कंप्लीट। अब यहाँ पे आपको आना है फ्रंट वाली विंडो पे और यहाँ पे 1 ब्लॉक छोड़ के लगाना है ऑरेंज वाले 4, यहाँ पे लगाने हैं आपको 4 ब्लॉक ग्लास के, और यहाँ पे 2 लगाने हैं, यहाँ पे 2 लगाने हैं। और जितनी भी जगह बची यहाँ पे लगाने व्हाइट स्टेन ग्लास ब्लॉक्स। अब आपको लेना है यहाँ पे व्हाइट स्टेन ग्लास और आपको यहाँ पे लगाने 8 ग्लास, ऐसे करके सेम यहाँ पे लगाने इस वाले कोने पे, पीछे भी सेम करना है कोने पे लगाने 8-8 करके यहाँ पे और यहाँ पे। अब बारी है इनको फिल करने की, तो यहाँ पे आपको लेना है रेड कंक्रीट और आपको यहाँ पे 5 लगाने होंगे, 1, 2, 3, 4, 5। देन लेना है ऑरेंज वाला और यहाँ पे 3 लगाने हैं, देन येलो वाले 2 लगाने हैं, देन लगाने लाइट ब्लू वाले 2, और फिर लगाना है आपको एक सियान और एक लगाना है लाइट ग्रे कंक्रीट, ठीक है, ऐसे करके लगाना है। और बीच में लगाना है आपको यहाँ पे व्हाइट स्टेन ग्लास। अब बारी है इस तरफ की, तो यहाँ पे क्या करना है, यहाँ पे भी आपको सेम करना है, सेम रेड वाले लेने हैं कंक्रीट के और यहाँ पे लगाने 1, 2, 3, 4, 5। देन सेम लगाने ऑरेंज वाले, देन लगाने येलो के 2 और यहाँ पे आ जाएगा अपना ब्लू वाला, देन सियान वाला, देन लाइट ग्रे वाला, ठीक है। और बीच में आएगा अपना यहाँ पे व्हाइट स्टेन ग्लास, ठीक है, बीच में व्हाइट स्टेन ग्लास ऐसे आ जाएगा। एंड यहाँ फ्लोर पे लगाने हैं आपको ऑरेंज वाले कारपेट। तो इसी के साथ बन जाएगा अपना यहाँ पे 7th रूम। अब चलते हैं यार अपने 8th वाले रूम पे, बस 2 रूम और बचे हैं, ठीक है। तो अपन चढ़ते हैं इस वाले पे, 8th वाले पे। तो सबसे पहले आपको आना है आपके सामने वाली वॉल पे और यहाँ पे आपको लगाने 2 ब्लैक वाले आपके ब्लैक स्टेन ग्लास, देन 1 ब्लॉक छोड़ के 2 लगाने हैं, देन 1 ब्लॉक छोड़ के वापस लगाने हैं। और जितनी भी जगह बच गई यहाँ पे लगाने व्हाइट वाले। अब लेना है आपको ब्लैक कंक्रीट और आपको यहाँ पे ऊपर लगाना होगा ऐसे करके, सेम यहाँ पे भी करना होगा, नीचे आएगा ब्लैक स्टेन ग्लास, यहाँ पे भी आ जाएगा सेम, देन इनके नीचे 2 ब्लॉक करके आपका व्हाइट वाला ग्लास आएगा यहाँ पे और वहाँ पे। अब बारी है फ्लोर की, तो उसके लिए आपको लेना है यहाँ पे 2 कारपेट व्हाइट और ब्लैक, और व्हाइट वाला आपको यहाँ पे 4 लगाने हैं, देन 3 लगाने हैं, ठीक है। देन मिडिल वाला जो है आपको पूरा लेके जाना है सामने तक और सेम यहाँ पे करना है 4 इस कोने पे लगाने हैं, 1, 2, 3, 4 और यहाँ पे 3 लगाने हैं। अब जितना ही बच गया यहाँ पे लगाने हैं ब्लैक वाले। तो इसी के साथ बन जाएगा अपना 7th रूम। अब बारी है यार अपने लास्ट वाले रूम की, जो कि ये वाला, और यहाँ से यार पूरा मेरा दिखता है वर्ल्ड। तो आप देख सकते हो यार पूरा हीरोब्रेन टावर दिखता है और पूरा वर्ल्ड दिखता है मेरा यहाँ से। एंड यहाँ पे आने के बाद में आपको लेना है यहाँ पे येलो वाला ग्लास, ठीक है, येलो ग्लास लेना है और आपको इस वाली वॉल पे पूरा कवर कर देना है इसको। देन ये वाली साइड पे 4 लगाने येलो वाले ऐसे करके। इतना करने के बाद में अब आपको लेना है यहाँ पे ऑरेंज कंक्रीट और आपको यहाँ पे 4 ब्लॉक लगाने, देन 1 लगाना है, देन 1 और लगाना है और इसके ऊपर आपको 3 और लगाने, ठीक है। तो इससे यू बन जाएगा, देन 1 ब्लॉक छोड़ के यहाँ पे आपको 3 प्लेस करने हैं ग्रे वाले कंक्रीट और आपको इसको भी ऊपर तक लेके जाना है, देन यहाँ पे 2 प्लेस करने और यहाँ पे 1 प्लेस करना है, सेम जी बनाना है जो अपने नीचे बनाया था, ठीक है। यहाँ पे भी सेम करना है आपको, यहाँ पे ऐसे लगाने 3, 1 इधर लगाना है, इसको आपको 3 एक्सटेंड करना है और यहाँ पे 2 लगाना है, यहाँ पे जी बन जाएगा, देन 1 ब्लॉक छोड़ के 3 ब्लॉक यहाँ लगाने और इसको आपको 3-3 इंक्रीज करना है 1 ब्लॉक छोड़ के और यू बनाना है। और जितनी भी जगह बच गई यहाँ पे येलो वाला ग्लास लगाना है सेम। एंड फ्लोर पे आ जाएगा आपका येलो वाला कारपेट। तो ये बन चुका है अपना लास्ट रूम, ठीक है। तो यार इसी के साथ जो है अपना पूरा गेमिंग हाउस यहाँ पे होता है रेडी। तो आप देख सकते हो यार कितना अच्छा लग रहा है। और यार मैंने नीचे यहाँ पे बाउंड्री नहीं बनाई क्योंकि मुझे लगता है कि वो उसको तोड़ के नहीं बना देंगे, इसलिए मैंने उसको बनाई नहीं। और यार अगर वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर देना और यार चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। एंड यार मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो के अंदर, तब तक के लिए।